हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल डीजी फार्मिंग ट्रिक पे। ये मेरा लोकल देसी मुर्गियों का बीज है जो आप देख सकते हैं आपके सामने। और आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से मेरा भी और इनका भी दोनों का हालत ख़राब है। सो आप लोग जल्दी जल्दी मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है। प्लीज़ आप लोग, और आप लोग मेरा वीडियो को व्यूज़ तो आप लोग देखते ही है, व्यूज़ तो आता ही है, पर आप लोग लाइक नहीं करते, बट आप लोग लाइक कीजिएगा। और इनके बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मेरा सभी अंडा देने वाले सब मुर्गी है, और दो चार ही मुर्गा रखा है मैंने, बाकी सब मुर्गियाँ है। और ये सभी अंडा देने वाले बेज है, और अंडा ये मेरा पुराना और नया वाला बेज दोनों मिक्स हो गया, और पुराने जो भी बेज का मुर्गी है वो सब अंडा दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि कड़कनाथ मुर्गियों के बारे में, सो आप मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरा कड़कनाथ मुर्गी, ये इसके साथ और एक, ये देखिए यहाँ पे चार कड़कनाथ मुर्गियाँ हैं और एक ये रहा पांचवा, ऐसे बहुत है, बहुत बनने से 8-10 है। और ये देखिए एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, और ये देखिए यहाँ पे और एक, ये सभी मेरे कड़कनाथ मुर्गियाँ हैं। ये भी इन लोग लोकल मुर्गियों के साथ मिक्सिंग रहते आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको और दूसरा दिखा देता हूँ। देखिए ये ओपन पूरा है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा है, हवा आता है, और बाकी उनमें हवा बहुत कम आता है। और आपको इनके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जान सकते हैं, इनका खाने का प्रोसेसिंग के बारे में। और मेडिसिन के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जान सकते हैं। देखिए ये प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो, आप मेरा वीडियो से कुछ जान पाते ही या नहीं। सो आप लोग डिटेल्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका फार्म में अगर कुछ भी बीमारी हो तो आप उसका वीडियो बना के मुझे दे सकते हैं, या आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके भी उसके बारे में जान सकते हैं। मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता दूंगा क्या कब कौन सा बीमारी आता है, मुझे नहीं पता। सो आप लोगों को फेवरम में जो भी बीमारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ये देखिए डिंकर का ऊपर उठ के बैठा है कड़कनाथ मुर्गी, ये भी रहा कड़कनाथ मुर्गी। सो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करूँगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझसे जान सकते हैं। और आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को देख के निकल जाते। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए, धन्यवाद आप सबका, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।